एक लड़की अपने मोहल्ले में किसी को भी लाइन नहीं देती थी। एक दिन पप्पू ने उसे रोका और कहा, अगर तुम मुझे अपने गुब्बारे चूसने दो तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। लड़की इसके लिए तैयार हो गई। पप्पू काफी देर तक उसके गुब्बारे पर हाथ फेरता रहा। लड़की बोली, अब चूस भी लो। पप्पू बोला, नहीं यार, बहुत महंगा है। सुहाग रात को कमरे की लाइट बंद थी और लड़की दूल्हे का इंतजार कर रही थी। लड़का दरवाजा खोल के कमरे में आया और लड़की से जल्दी से बोला, जल्दी से अपने कपड़े उतारो। लड़की ने कपड़े उतार लिए और खूब अच्छे तरीके से दोनों ने किया। करने के बाद लड़का बोला, अब जल्दी से कपड़े पहन लो। लड़की बोली, क्यों, क्या हुआ? लड़का, दूल्हा आने वाला है। लड़की परेशान सी डॉक्टर के पास गई। लड़की बोली, डॉक्टर साहब, मैं गर्मी से बहुत परेशान हूँ। डॉक्टर, क्या परेशानी है आपको? लड़की, मुझे सिगरेट पीते हुए बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। एक कस पीती हूँ, फिर माथे से पसीना पोंछती हूँ। दूसरा कस लेती हूँ तो गर्मी से कपड़ा उतार देती हूँ। तीसरा कस लेती हूँ तो फिर एक कपड़ा उतार देती हूँ। डॉक्टर, घबराइए मत, ये लीजिए सिगरेट और आराम से बताइए। एक औरत अपने कपड़े बदल रही थी, तभी उसके बच्चे ने उसके देख लिए और पूछा, मम्मी ये क्या है? मम्मी बोली, बेटा ये गुब्बारे हैं। बच्चा बोला, तो फिर मौसी के आपसे छोटे क्यों हैं? मम्मी बोली, तूने कब देखे उसके? बच्चा बोला, जब पापा उसमें हवा भर रहे थे। तीन लड़कियां कॉलेज जा रही थीं। सामने टंगे पिंजरे से मिट्टू चिल्लाया, लाल हरी काली। दूसरे दिन मिट्टू फिर चिल्लाया, नीली पीली गुलाबी। लड़कियां समझ गईं कि ये उनकी चड्डी के कलर हैं। ये मिट्टू तो बड़ा कमीना है। तीसरे दिन लड़कियों ने अंदर चड्डी ही नहीं पहनी, पर मिट्टू तो कमीना था। मिट्टू फिर चिल्लाया, प्लेन घुंघराले क्लीन से। एक चोर ने दोपहर को एक घर में प्रवेश किया। उसने औरत को बांध दिया, चाकू की नोक पर आदमी से गहने और धन को देने को कहा। आदमी रोने लगा और कहा, भाई आप जो भी चाहिए ले लो, लेकिन कृपया इसकी रस्सी खोल दो और इसे बाहर जाने दो। चोर, आप वास्तव में अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। आदमी, नहीं, वो पड़ोस की पत्नी है, मेरी वाली आती ही होगी। पप्पू अपने बाप से बोला, डैडी ऐसा मेरे में क्या खास है कि पूरी क्लास में मेरा सबसे बड़ा है? बाप, नालायक, क्योंकि तू 18 साल का है और अभी भी 5वीं में ही है। औरत डॉक्टर से, थकान बहुत होती है। डॉक्टर, कितना करती हो? औरत, रोज। डॉक्टर, संडे मत किया करो। औरत, हाय दैया, संडे ही तो पति घर पे होते हैं, उन्हें कैसे मना करूं? अध्यापिका, कल मैंने तुझे कुत्ते पर निबंध लिखने को कहा था, तू लिखकर क्यों नहीं लाया? राकेश, क्या करूं मैडम, जैसे ही मैंने कुत्ते पर पेन रखा वो भाग गया। दो बीवियां मेले में खो गईं, एक गांव से और एक शहर से थी। बीवी ढूंढते हुए दोनों पुरुष आपस में मिले। गांव वाले ने पूछा, तुम्हारी वाली की पहचान? शहरी बोला, 5-7 फीट गोरी, भूरी आंखें, पतली पिंक टी शर्ट और मिनी स्कर्ट पहनी है, आलिया भट्ट जैसी। और तुम्हारी? गांव वाला बोला, हमारी छोड़ो, चलो तुम्हारी ढूंढते हैं। टीचर, आज स्कूल देर से आने का तुमने क्या बहाना सोचा है? छात्र, सॉरी सर, आज मैं इतनी तेज दौड़ कर आया हूँ कि बहाना सोचने का मौका ही नहीं मिला।